नमस्कार, गुजरात की धरती में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से हम राज तिलक की शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत तो तालियों से बनती है। अहमदाबाद की जनता आज तैयार है अपने सवाल दागने के लिए। याद रखिए, साबरमती के किनारे हम आज ये शो कर रहे हैं। ये वही साबरमती है जिसने गांधी के गुजरात को नरेंद्र मोदी के गुजरात में तब्दील होते हुए देखा। ये वही गुजरात की धरती है जिसने नरेंद्र मोदी को दिल्ली के तख्तो ताज पर भेजा। ये वही गुजरात है जो इस बार के चुनावों में ये साबित करेगी कि क्या वो इस बार भी नरेंद्र मोदी की ही होकर रहेगी या फिर जो अध्यक्ष बन रहे हैं राहुल गांधी, उनकी नींव कुछ यहां से रखी जाएगी। इन्हीं सवालों का मुकाबला आज होगा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। आईके जडेजा पूर्व मंत्री और साथ ही उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी गुजरात के। उनकी गाड़ी हालांकि थोड़ी सी लेट चल रही है, पहुंचे नहीं है, लेकिन रोहन गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। श्याम पारिक जाने माने पत्रकार यहां पर जुड़ गए हैं। तालियों के साथ इन सभी का स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें और सवाल दागना शुरू करें, आइए आपको दिखा देते हैं अहमदाबाद की ये रिपोर्ट। क्योंकि इस वक्त चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी के बाद बिजनेस समुदाय पर पड़ा हुआ असर हो, या फिर पाटीदार आरक्षण के आंदोलन की आग हो, क्या सोच रहे हैं अहमदाबाद के लोग, ये रिपोर्ट। नमस्कार, राज तिलक में अहमदाबाद से आपका स्वागत है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। इसे राजनीति का सितम कहिए या फिर शौक कह लीजिए, अहमदाबाद शहर की ख्वाहिशें हल्की फुल्की सी हैं, लेकिन बोझ तो उन महत्वाकांक्षाओं का है जो दो लोगों ने इस शहर से बांध लिए हैं। जी हां, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी के रुतबे को कायम रखने के लिए गुजरात की जीत बेहद अहम है, तो दूसरी तरफ वो राहुल गांधी जो ये चाहते हैं कि कम से कम वो इमारत जो कभी बन नहीं सकी उसकी नींव तो गुजरात में कुछ अच्छी सीटों के साथ वो रख सके, उन दोनों के लिए ही सबसे बड़ी परीक्षा अगर कोई है तो वो है गुजरात के चुनाव। अच्छा ही कर रही है सरकार। हाँ। और मोदी आकर बहुत अच्छा किया है इसने, बहुत बेरोजगारी कर दी है। मेरे को तो नहीं लगता कि इस बार बीजेपी का कोई बोर्ड बनेगा इसके गुजरात में। आखिर क्या हुआ है गुजरात में लोगों की सोच पर असर, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा रहा हो जिससे बिजनेस समुदाय पर असर पड़ा हो या फिर जीएसटी, इस पर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? आम आदमी के लिए तो जीना ही मुश्किल पड़ गया है। अब धंधा कम हो गया है, हर बात से परेशानी आने लग गई। देश में अच्छा हो ही चाहते ये देश में तरक्की हो रही है वजह से, और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है पहले से। आपको लगता है कि गुजरात में विकास हुआ है? गुजरात में बहुत विकास हुआ है, हम देखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्यों कहती है कि विकास पागल थे हो जाए? कांग्रेस पार्टी तो यूं ही कहने वाले है क्योंकि वो हार अभी तक हार चुके हैं। वो इस बार सारे दूसरी पार्टी को चांस देना चाहिए। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो गुजरात की जनता साथ देगी? हाँ देगी, साथ देगी 100%। मोदी सरकार काम अच्छा कर रही है। देख लिया, अचानक ही एक बाजार में मैं गई और वहां पर कुछ लोगों से बात की, क्योंकि हमेशा ये आरोप लगता है कि ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं तो कई पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उम्मीद यही होगी कि इन सब से ऊपर उठकर आप अपने सवाल दागेंगे। और पहला सवाल आके जाडेजा जी मैं आपसे दागूंगी, वो ये है कि क्यों गुजरात की जनता एक बार फिर से आपके साथ जाए? क्या सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही कार्ड आप लोग खेलेंगे? क्योंकि पूरे शहर में सबसे बड़ी फोटो उन्हीं की लग रही है, हालांकि मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री है, लेकिन फोटो उन्हीं की, चेहरा उन्हीं का, मोदी से शुरू मोदी पर खत्म। माइक उठा लीजिए, माइक उठाइए सर। देखिए, गुजरात का विकास माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से शुरू किया है, 95 के पहले का गुजरात, 95 से 2017 का गुजरात, ये 20 से ज्यादा सालों में जिस प्रकार से गुजरात की विकास हुई है, सभी क्षेत्र और सभी समाज ने विकास को स्वीकृत किया है। और इतना ही नहीं, 95 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव असेंबली के गुजरात में आए, हर एक चुनाव में गुजरात में असेंबली के जो वोट परसेंट है वो बड़े हैं, वोटिंग शेयर भारतीय जनता पार्टी के बड़े हैं। हम ये मानते हैं कि गुजरात ने ऐसा विकास जो अपनाया है वो विकास के साथ
गुजरात के मतदाता चलेंगे, नरेंद्र मोदी जी की फोटो मोटी है तो वो मोटी ही रहेगी, उसे कोई छोटा करने वाला गुजरात में नहीं है। आज तक गुजरात में ऐसा कोई पार्टी आई नहीं है। और जिस प्रकार से 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही और वो 10 साल में गुजरात को जिस प्रकार से अन्याय हुआ, वो अन्याय की सभी बातें गुजरात की जनता, गुजरात के मतदाता जानते हैं। और दोनों वजह से गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे मतदाता चलेंगे और हमारा जो लक्ष्य है 150 प्लस का, वो 150 प्लस हम हासिल करेंगे। क्या आप लोग सहमत हैं उनकी बातों से? आपको लगता है कि विकास का वो दावा जो कर रहे हैं पिछले 20 साल में, उसमें दम है? जितने लोग समझते हैं दम है हाथ उठाइए। चलिए, इधर मौजूद ज्यादातर लोग समझते हैं कि दम है नहीं, और आपको लगता है कि विकास पागल हो गया है? देखिए, अभी मैं जाडेजा जी को सुन रहा था, पहले उन्होंने मोटी तस्वीर बोला, वो मोटी नहीं बड़ी है, मोटी तो हुई है वहां पे जाके, दिल्ली जाके। जो उन्होंने सर्जन की बात की, गुजरात में जब कांग्रेस का शासन रहा तब जितनी भी 252 डैम की बात हो, हम जिस रिवर फ्रंट पे खड़े हैं उसकी भी नींव गुजरात के कांग्रेस के शासन में रखी गई थी। आईआईटी हो, एनआईडी हो, अमूल डेयरी हो, जब भी हम लोग गुजरात के विकास की हम लोग बात करते हैं, जिस प्रकार से विकास पगला गया, इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी आप मानव सूचकांक देखा जाए कहीं पे भी गुजरात आगे नहीं है। जिस 22 साल के कुशासन में गुजरात ने इतने खराब दिन देखे हैं, आप कोई भी सूचकांक देख लीजिए, गुजरात कहीं पे भी नहीं है। जो सर्जन कांग्रेस के सरकार के टाइम पे रुका था वो बीजेपी ने रोक दिया है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम नव सर्जन करेंगे, विकास को ठीक करेंगे हार्दिक पटेल के साथ मिलकर। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस खुद करेगा, और हमारी लड़ाई में जो लोग जुड़ेंगे हम उनको हमारे साथ जोड़ेंगे, क्योंकि विकास जिस प्रकार से पागल हुआ है, हर आदमी की जरूरत है। अरे विकास को खोजेंगे, हम भी निकलेंगे, विकास पागल है ये भी उसका, हमारे साथ जनता है, हमको किसी डील की जरूरत नहीं है। उसका टेस्ट हम करेंगे, आज तक करेगा पूरे राज्य में। आप ये बताइए ना, हार्दिक पटेल के साथ डील हो गई नहीं हो गई? वो तो आई नहीं रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पारदर्शी बना ही नहीं रहे व्यवस्था को। मैं आपको बता रहा हूँ, जो डील की आप बात कर रहे हैं, तीन सीट पर आप मान गए, डील की बात नहीं है, तीन सीट पर मान गए, हम कोसी डील की बात नहीं कर रहे, 10 में से 3 को कांग्रेस वो मांग रहे थे 10, आप माने 3। नवसर्जन गुजरात बनेगा, और उसमें जो लोग भी हमारे साथ हैं वो हार्दिक और अल्पेश जी की बहुत स्वागत है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये तीनों युवा, मेरी बात छोटी सी, मैं बता रहा हूँ आपको, उस पे आ रहा हूँ, 10 मांगे थे, आ रहा हूँ सीट पे आ रहा हूँ। जो जिस प्रकार से आप तीन युवा की बात कर रहे हैं, ये तीन युवा क्यों उठे हैं? क्योंकि 22 साल का इनका विकास पगला गया था, हर वर्ग के आदमी को गुजरात में अपने हक के लिए रोड पे आना पड़ा, आप उन्हीं का अपमान कर रहे हैं क्या? उनके पीछे लोग नहीं है? आप जिस हार्दिक की बात कर रहे हैं, अल्पेश की बात, क्या लोग उनके साथ नहीं है? अंजना जी, आपने ही डिबेट की थी उन तीनों के साथ में, आपने उनकी क्या बातें वो सुनी थी? मेरा आपको इतनी ही विनती है कि एक साइड में आके दिल से हाथ रख के कहिए, क्यों वो लोग तीन खड़े हुए? वो बीजेपी की विफलताओं के कारण गुजरात में खड़े होकर रोड पे घूम रहे हैं, और कांग्रेस आगे बढ़कर। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी क्यों नहीं खड़े हो पा रहे सर? क्यों नहीं हो पा रहे? आप देखिए, पूरे गुजरात में जहां पे 12 दिन उन्होंने गुजरात में बिताए, आप कोई भी सर्वे निकाल के देख लीजिए। सीट कितने दिए जी? सीट कितने दिए? इसकी बात ही नहीं, आप टेंशन मत किए, पंजा ही लड़ रहा है, टेंशन कैसे? आप पंजा ही लड़ रहा है, पंजा लड़ेगा, हर सीट पे पंजा लड़ेगा मैडम। तो अंडर हैंड डील हो गई है। आप देखिए, अंडर हैंड कांग्रेस की तरफ से है और पंजा लड़ेगा सर। डील तो पारदर्शी कीजिए, पंजा ही है, पंजा डील है, चले हमारी 5 डील है, और उसमें जो भी मुट्ठी में आएगा इस बार हम सबको पीछे छोड़ देंगे। 5 में से 3 दिया, सर्जन हम करेंगे, नवसर्जन भी आगे करेंगे, डोंट वरी। चलिए ठीक है, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल लूं, पारिक जी, क्या अहमदाबाद, गुजरात क्या कह रहे हैं यहाँ की धरती? क्योंकि पिछले बार के स्कोर को देखें तो ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का, 17 सीटें, सिर्फ 4 कांग्रेस के पास, क्या दिखता है इस बार? अभी 1 से 2 हफ्ता और लगेगा, माइक उठा ले सर, 1 से 2 हफ्ता कम से कम और लगेगा जिससे पहले आप कह सके कि क्या लग रहा है और क्या होने वाला है। मोदी जी का प्रचार अगले सप्ताह शुरू होने वाला है। मुझे तो सवाल बेसिकली ये है कि दोनों पार्टी का कनेक्ट नहीं बन रहा है लोगों के साथ, दोनों कंफ्यूज्ड हैं, दोनों अपनी हाईकमांड और अपनी लीडरशिप सेल कर रहे हैं। गुजरात के लिए क्या है, गुजरात के लिए क्या विजन है, वो दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहे। तो ये जब तक किसी के पास विजन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तब तक गुजरात का जो यूथ है उसके साथ कनेक्ट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं, हाथ उठाइए, आप आइए, इधर आइए, जल्दी। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना, मान लो कि सपोज उनकी सरकार बन गई तो अपने जो स्टेटों में सर, कौन से स्टेट जैसा गुजरात को बनाएंगे? जवाब देना चाहूंगा, कौन सा आपका आदर्श राज्य है जैसा आप गुजरात को बना देंगे? देखिए, हमारे काफी स्टेट जैसे कर्नाटका है, उसमें अभी इंदिरा कैंटीन योजना जो की गई है, वर्ल्ड की सबसे एकमात्र योजना है जिसमें 10 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता है। जो पंजाब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में जो वीआईपी कल्चर की बात का मार्केटिंग हो रहा था, वो वीआईपी कल्चर पंजाब ने रोका है।
और आने सिर्फ 50 दिनों में अपनी सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने किसानों के जो देवे माफ किए, किसानों के कर्ज माफ किए, और उसी प्रकार से हम गुजरात में मॉडल स्टेट करेंगे। मैं बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि गुजरात में इतना अगर विकास हुआ है तो भूखमरे में और एजुकेशन में आज गुजरात का 18वां नंबर है, जो 1995 से पहले तीसरा नंबर था, तो क्या आप ये इसको विकास कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विकास? विकास कौन है, विकास क्या है? देखिए अन्ना जी, पहले तो मैं ये बात आपके माध्यम से बता दूं कि कांग्रेस के पास कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं है आज तक। प्लीज लिसन मी, आपको सुनना पड़ेगा। पहले मैंने आपको सुना है, आपको सुनना पड़ेगा। कांग्रेस के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बौखला गई है। जिस प्रकार से वो हमारे मित्र ने नहीं, मैं पहले अंजना जी मैं जवाब दे दूं। शिक्षा का बताया उन्होंने, शिक्षा का अंजना जी मैं जवाब दे दूं, शिक्षा का जिस प्रकार से उन्होंने बताया, मेरे मित्र को मैं बोलना चाहता हूं कि गुजरात में जो इंजीनियरिंग सीटें थी उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई आपको जानते हैं। मेडिकल में कितनी सीटें बढ़ी वो आप जानते हैं। साला के रूम 16,000 स्कूलें नई बनी है, एक सवा लाख से ज्यादा शिक्षक की नई भर्ती हुई है, और शिक्षा को जिस प्रकार से वो 95 से पहले छोड़ के गए थे, इसमें बहुत बड़ा सुधार आया है। 1:7 ड्रॉप आउट रेशियो जो 28% था वो 7% से भी कम हुआ है। ये दिखाता है, सब फिगर्स हमारे नहीं है, वो केंद्र की यूपीए की सरकार थी उसके फिगर है, उसके डेटा है, वो प्रमाणित करते हैं कि पिछले 20 सालों में गुजरात में शिक्षण की अच्छी खासी सुधार हुई है। ठीक है, एक सवाल के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। आइए मैम, सवाल पूछिए। पास आइए, मैं पकड़ूंगी। जो सर ने अभी पूछा कि किस राज्य का आप उदाहरण दोगे, अभी पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में गुजरात का उदाहरण दिया जाता है। इतना मोदी जी ने विकास किया है उसमें कोई बात नहीं है, कोई दोहरा नहीं है। और जो अभी जो कांग्रेस सरकार है वो क्यों जातवाद को लेकर लड़ती है? अभी जो गुजरात ने कभी जातवाद का कोई नाम नहीं लिया है, तो इतने सालों से इसलिए ही बीजेपी आगे आ रही है और गुजरात को आगे ला रही है और पूरे इंडिया को आगे ला रही है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। सवाल क्या था? सवाल यही था कि आप एजुकेशन की बात करते हो तो एजुकेशन लेवल बढ़ाए। आप जो बोलते हो कि जो जातवाद का है तो जातवाद क्यों आप इतना चला रहे हो, जब सब एक साथ लेकर चल रहे हैं? पहली बात अंजना जी, आपने राज्य की बात की, अभी सवाल उन्होंने मुझसे पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इसका जवाब ब्रेक के बाद कि क्या एक तरफ आप धर्म पर बांटने का आरोप लगाते और खुद जाति के अंधेरे में गुजरात को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, राशि लग जा रही है, देखते रहिए आज तक।